Shall we start? Go ahead, Rajesh. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में सम्मानित होते हैं तो पूरी देश की जनता के लिए गर्व की विषय हैं। और आज नहीं, हमारे हिंदुस्तान की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी जब विदेश में सफ़र करते थे बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित होते थे। वहाँ की लोकल जनता स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलकर उनको स्वागत, उनको सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद देश के हर प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी क्यों ना हो, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब भी अपना विदेश सफ़र में जाते थे और सम्मानित होते थे, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से सम्मान दिखाए गए हैं, तो हम सब, हमारे सबके लिए ये गर्व के विषय हैं। प्रधानमंत्री जी अपना ह्यूस्टन में, जहां एनआरआईज का एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, एक दो चीज़ हमें थोड़ा खटका। एक तो हमारी ये पॉलिसी हैं, हमारी सरकार की ये पॉलिसी हैं, और ये बहुत पहले से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ है कि कोई भी विदेश में जाके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स को हम उनके लिए प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी इंटरनल मामला है। किसी भी देश में कोई भी सरकार बने, हिंदुस्तान की सरकार के साथ उनका संबंध अच्छा रहता है, होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का बारे में बोला, अगले सरकार ट्रंप सरकार, तो शायद वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का साथ, उनका साथ कोई सामंजस्य नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा भारत में सब अच्छे हैं। हाँ, हम भी मानते हैं भारत में सब अच्छे हैं, लेकिन भारत में सब अच्छे हैं बोलकर प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अभी वो विदेश में हैं, लेकिन देश में रहकर एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन उनके सरकार की जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसका आलोचना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र हैं और उसी के आधार पर और उसी के अधिकार से हम बीजेपी सरकार को, यूनियन सरकार को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भारत में सब अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देश की आम जनता की रोजमर्रे की जिंदगी का साथ जुड़े हुए हैं। उस इश्यूज पर हम कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात है महंगाई, प्राइस राइज। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पिछले 7 दिनों से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे पहले भी मोदी 2 की सरकार में पहले यूनियन बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में उन्होंने बढ़ाए हैं। इससे पहले हमने देखा कि मोदी जी का पहला सरकार में 5 साल में एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल वॉज इंक्रीज बाई 211% एंड ऑन डीजल इट वॉज इंक्रीज बाई 443%। सो लगातार पेट्रोल और डीजल में मोदी जी का पहले सरकार में भी लगातार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, और इस बार भी पहला बजट में बढ़ाया गया है। एज अ रिजल्ट आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.98 यानी कि लगभग 20 रुपया पर लीटर इन पेट्रोल एंड डीजल में 15.83 पर लीटर इन पेट्रोल। आज दिल्ली में
पेट्रोल की कीमत है 74.13 पर लीटर, डीजल का 67.07 पर लीटर, और मुंबई में 79.79 यानी कि 80 रुपया पर लीटर पेट्रोल का, और डीजल का प्राइस है 70.37। साथ में जो स्टेट वैट लगाते हैं, दिल्ली के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार दो दो दफ़े पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ाए हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है, ये बहुत ही एक कॉमन फैक्टर है कि जहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ते हैं, लोगों की आम जिंदगी में जो सारे ज़रूरतें हैं, फूड इन्फ्लेशन हो या मेन जो कंज्यूमरेबल आइटम्स हैं उसका इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। आज दिल्ली में प्याज की कीमत है 70 रुपया पर किलो, गोभी की कीमत है 100 रुपया पर किलो, टमाटर 50 रुपया पर किलो। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है, और साथ में ये जो इन्फ्लेशन है, तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं हम जानना चाहेंगे, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन साथ साथ पेट्रोल कीमत डीजल की कीमत बढ़ना, साथ साथ बाकी कंज्यूमेबल आइटम्स की कीमत बढ़ना, ये लोगों की एवरीडे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और हम सरकार से जानना चाहेंगे महंगाई कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि 45 इयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लगभग 8%, यानी कि अंदाज़ा 8 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। और बेरोज़गारी आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सरकार कोई नई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति बहुत ख़राब है, 5% GDP का हाल है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज एट अ लोएस्ट, वन ऑफ इट्स लोएस्ट एट 0.6% इन द लास्ट क्वार्टर। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो क्राइसिस हुआ है आपको सभी को पता है, जस्ट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड अबाउट 2.30 lakh jobs were reportedly lost. Society of Indian Automobile Manufacturer, SIAM की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लगभग 300 डीलरशिप जो कि ऑटो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड थे वो बंद हो गए हैं, एंड इट हैज़ इम्पैक्टेड 10 lakh jobs approximately. एग्रीकल्चर में जो कि इट्स वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं जो लेबर फोर्स सर्वे हैं, लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे लेबर मिनिस्ट्री के डेटा हैं, 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच में एग्रीकल्चरल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल फेल बाई 2.7 crore, और पूरे वर्कफोर्स जो रिड्यूस हुए लगभग 91 lakhs के करीब। सो 91 lakhs पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, अबाउट 8 crore पीपल आर अनएम्प्लॉयड। और रूरल एग्रीकल्चर में जो जॉब लॉस होता है उसका इम्पैक्ट, उसका दूसरी तरह की सोशल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए इन द रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वहाँ अगर आपका 91 lakhs जॉब ख़त्म हो गए हैं, नया जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं, नया डिमांड नहीं है, तो ये महिलाओं के ऊपर एक जेंडर एस्पेक्ट, एक जेंडर इफेक्ट, इसके जेंडर इन्फ्लुएंस होता है, इट इज रियली नेगेटिवली इम्पैक्ट द जेंडर इक्विटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन। देखिए, हिंदुस्तान में
यूथ की संख्या बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन में, विच इज इन जनरली इन इकोनॉमिक टर्म्स इट इज कंसिडर्ड एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि अगर देश में यूथ ज्यादा हो, नौजवान ज्यादा हो, वो लोग वर्कफोर्स ज्यादा हो तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय देश की सरकार और सोसाइटी इन जनरल, हम सभी के लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि किसी किस तरह से ये जो भारी तादाद है यूथ की, युवाओं की, किस तरह से ये यूथ एनर्जी हम पॉजिटिवली कॉन्स्ट्रक्टिवली चैनलाइज करें। बिकॉज इफ वी फेल टू चैनलाइज द यूथ एनर्जी इन अ पॉजिटिव डिरेक्शन, इन अ कॉन्स्ट्रक्टिव मैनर, दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड मे टर्न इन टू अ डेमोग्राफिक नाइटमेयर। अगर इन युवाओं का एनर्जी हम पॉजिटिवली चैनलाइज ना करें तो वो देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक बन सकते हैं। अपने फ्रस्ट्रेशन किस तरह से वो बाहर निकालें, देश में, समाज में पेटी क्राइम्स बढ़ सकते हैं जिस तरह से हम देख भी रहे हैं। और हमारी तीसरी मुद्दा इसी का साथ रिलेटेड है, महंगाई, बेरोजगारी, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है उसका साथ सिक्योरिटी। देश में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सिक्योरिटी खराब होते जा रहे हैं, खाली महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो हर रोज आप पेपर खोलो तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कहीं ना कहीं रेप, कहीं ना कहीं मोलेस्टेशन, हर जगह से हमें खबर मिलती है पूरे देश में। बट इन जनरल क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं। आज ही प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया कि यूपी में पिछले 22 दिनों में 22 दिनों में 12 शूटिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, 4 मर्डर हुए हैं। ये है यूपी में बीजेपी सरकार है इसका हालात। दिल्ली में, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी तो हम सोचते हैं कि ये तो सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन लगातार क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, पेटी क्राइम्स, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग। आज ही सुबह मैं पढ़ रही थी एएनआई की एक जर्नलिस्ट, सीआर पार्क में जहां जिस तरह से उनका मोबाइल स्नैच करने की कोशिश किया गया, वो बेचारी गिर गई स्कूटर से, ऑटो से नीचे गिर गई, उनका चोट आया। हर रोज लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्नैचिंग की इंसिडेंसेस, इस तरह की। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त तक दिल्ली में 4,273 केसेस ऑफ स्नैचिंग इन दिल्ली, यानी कि लगातार एवरेज 18 केसेस पर डे, 18 केसेस पर डे जस्ट ऑफ स्नैचिंग, जो कि रिपोर्ट हुआ है, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ स्नैचिंग की हैं, स्नैचिंग की मामला हैं। दूसरी तरह के क्राइम जो है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम दूसरे रॉबरीज, सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री, उनके घर में चोरी हो गई। तो हम जानना चाहेंगे सरकार से, मोदी जी बोलते हैं कि स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है मोदी जी, बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के पहले देश को एक सुरक्षित राजधानी तो आप पहले दीजिए। और देश की राजधानी में अगर ये हाल है तो आप सोच सकते हैं जो छोटे छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां क्या हाल होगी। तो ये तीन मुद्दे जो हैं, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये तीन मुद्दे हमें लगा कि एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी जो कि रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है, तीसरी सुरक्षा, यह हर इंसान को, हर आम आदमी, हर आम जनता के जिंदगी में ये इफेक्ट करता है। तो अगर ये तीनों में कोई सुधार ना आए तो कोई कैसे कह सकता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। धन्यवाद। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? धन्यवाद शर्मिषा जी।
इन्होंने जो मुद्दे उठाए, आपके समक्ष रखे, जनता से जुड़े हुए, खास करके पेट्रोल की कीमतें और फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, आपकी बात में दो बातें और जोड़ना चाहूँगा कि समझदार सरकारें वो होती हैं जो कि पिछली सरकारों के अच्छे काम को आगे बढ़ाती हैं, उनसे सीखती हैं, क्योंकि ये जो फैसले होते हैं सरकार के वो व्यक्तिगत फैसले नहीं होते, वो जनता के बेहतरी के फैसले होते हैं। अभी 3-4 दिनों पहले एक लेख था पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के वीरप्पा मोइली जी का, पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकारों ने एक प्रावधान किया था कि अब जैसी घटना हुई है ईरान में, ड्रोन अटैक हुआ वहाँ के ऑयल वेल पर, और जिसके कारण पिछले 8 दिनों से जो है यहाँ कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए एक अपना एक ऑयल रिजर्व हो, और ये ऑयल रिजर्व जो है वो प्रपोज्ड 5 लाख मीट्रिक टन का था, और ये बनना था रिजर्वॉयर जो बनना था वो उड़ीसा में बनना था, पहला जो बनना था वो वाइजैग में बनना था और मैंगलोर में, और बाद में जो है उसको एडवांस करके अगले चरण में वो एक उड़ीसा में बनना था और एक उडुपी में बनना था। ये सैंक्शन प्रोजेक्ट थे, अप्रूव प्रोजेक्ट थे। उसके बाद हम ये सरकार से पूछना चाहेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, वो इसलिए कि अगर आज ये रिजर्व होते हमारे पास तो ये जो रोज कीमतें ऊपर नीचे होती हैं ये नहीं होती, और जनता के जेब से जो उसकी गाढ़ी कमाई जाती है और सरकार उसको सही बताती है ये कहते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से हम बाध्य हैं कीमतों को बढ़ाने पे, तो ये नहीं हो पाता। दूसरी बात जो खाद्य पदार्थों में बढ़ती कीमत को लेकर के है कि बड़ी दिलचस्प बात है कि पिछले 6 सालों में अगर भाजपा सरकार से पूछेंगे कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो वो ये कहेंगे बड़े बखान करते हुए कि जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो स्थिर रही हैं, वो नहीं बढ़ी हैं। और हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बात पर आपत्ति की कि अगर खाद्य पदार्थों की कीमत लगातार लंबे समय तक अगर बराबर रहेंगी, एक स्तर पर रहेंगी, तो इसका नुकसान किसानों को होता है, क्योंकि उसको उसके पदार्थों का जो है उचित कीमत नहीं मिलता, उसके लिए खेती जो है नुकसानदायक हो जाता है। प्रश्न ये है आज कि क्या ये जो प्याज की कीमतें आज राजधानी में 60-70 रुपये है, क्या ये कीमतें किसानों की जेब में जा रही हैं या फिर से बिचौलियों के, वैसे लोगों के जो कि इसको जमा करके रखते हैं, जमाखोरी करते हैं, और फिर अभी हम ये सालाना हम देखते हैं, हर साल ये होता है कि पर्व त्यौहार के समय में कीमतें जो है एकदम से आसमान छूने लगती हैं, तो ये वही लोग हैं, ये सरगना होता है व्यापारियों का। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर क्रैकिंग तरीके से इसके ऊपर काम करे और ये सुनिश्चित करे कि जिन जमाखोरों ने इसको जमा किया हुआ है और आर्टिफिशियली प्राइस इन्फ्लेट किया हुआ है ये वो उसमें कामयाब ना हो और कीमतें जो हैं वो इसको कम रखने में, चूँकि त्यौहार का समय है, जो संभव और कारगर उपाय है वो इसके बारे में जरूर करें। शर्मिष्ठा जी ने जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए वो किसानों के, रोजगार के, युवाओं के, प्रधानमंत्री जी लौटेंगे जल्द, और जब वो आएंगे यहाँ तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आकर बताएंगे, पूछेंगे कि हाउडी फार्मर्स एंड हाउडी यूथ। थैंक यू। आपके सवाल हों तो पूछे। देखिए, एक तो सफिशिएंट नहीं है, वो जो भी अवेलेबल स्टॉक हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट। केजरीवाल सरकार ने जो अभी स्कीम निकाला है कि 40 रुपये में बेचेंगे, मुझे तो अभी तक आज तक कहीं नहीं देखा 40 रुपये में प्याज मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ बेच रहे हैं या अभी तक स्कीम चालू हुआ भी या नहीं। लेकिन ये डिमांड सप्लाई में जो एक फ़र्क है, इसको किस तरह से सरकार हैंडल करेंगे, और प्रणव जी ने बहुत ही एक अच्छी जो इशू उन्होंने उठाए हैं कि हम देखते हैं कि ये जो प्राइस अचानक बढ़ जाते हैं इसका फायदा जो है होल्डर्स के पास जाते हैं, तो हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे हम जानना चाहेंगे ये होल्डर्स कितने सारे आप लोगों ने रेट्स किया, कितने सारे होल्डर्स को आप लोग पकड़े, उनका क्या आप लोग उसको होर्डिंग बंद करने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स उठा रहे हैं।
देखिए, इस पर्टिकुलर इशू पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर इशू पे मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन इन जनरल हमने देखा कि जब से डिमोनेटाइजेशन सरकार ने अचानक नोटबंदी, एक रात को प्रधानमंत्री जी ने भाषण देके जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की, उसके बाद हम देखा कि लगातार कि अपना पैसा जो बैंक में है उसको निकालने के लिए देयर आर यू नो मतलब बहुत सारी मुसीबतें आई, तो तब से लगता है कि लोगों का एक जो भरोसा है एक फॉर्मल सिस्टम में वो शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार घटते घटते जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि लोग इन्वेस्ट क्यों करें अगर सरकार की पॉलिसीज में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर अचानक सरकार इस तरह से और कोई सेकेंड डिमोनेटाइजेशन या इस तरह की कोई एक डिसीशन ले ले तो वो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करेगी, आम जनता के लिए बहुत सारा ज़्यादा मुसीबत क्रिएट किया है पहले भी, अभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार को जो भी कदम लेना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो लोगों की जो फेथ है फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उसमें कुछ कमी ना आए, इसके लिए सरकार को पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। Yeah, I saw it last night and I immediately, you know, I also retweeted Shashi Tharoorji's thing. So it was his Pandit Nehru's Russia visit. So by mistake, I thought it was US. But if you have seen my tweet, I have immediately, you know, corrected it by retweeting Shashi Tharoorji's. सिद्धार्थ जी, पहले भी इस विषय को आप हमारे समक्ष लेकर आए थे उसी ट्वीट के आधार पर, और एक तथाकथित उनकी लिखित चिट्ठी थी, आज भी हमारे ये संज्ञान में आया है उनके ट्वीट के माध्यम से। हमने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से संपर्क करने की कोशिश की और हमारा अभी संपर्क हो नहीं पाया है। उम्मीद है कि हम शाम तक आपको इस बारे में कुछ बताने में सक्षम होंगे। Thank you. देखिए, इस तरह की बातों में, इस तरह के पर्सनल जो बातों को लेके जो टिप्पणी करते हैं उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं और उसमें हम रिमार्क नहीं करना चाहेंगे। वो केंद्रीय मंत्री ऐसे इस तरह के पर्सनल बातें कर रहे हैं किसी को लेके, तो उसमें आई डोंट थिंक इट इज वर्थ कमेंटिंग अपॉन। देखिए, अगर विक्टिम को, जो एक अलेज्ड विक्टिम है, उनको सिक्योरिटी देने की जगह उसको अगर इस तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिश प्रयास किया जाए, हमें लगता है कि वो सही नहीं है। उस लड़की की अगेंस्ट एक्सटॉर्शन की चार्जेस लगाया गया है, डेफिनेटली प्रॉपर छानबीन होना चाहिए, दोनों तरफ से छानबीन होना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल जो हमने पहले भी पूछा कि एक तो चिन्मयानंद को अरेस्ट करने में इतना टाइम क्यों लगाया, एक तो एसआईटी में पहले ही उस लड़की को 13-14 घंटा सवाल पूछताछ उनसे कर चुके थे, उसके बाद वो लड़की को ये बोलना पड़ा कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, उसके बाद ही क्या चिन्मयानंद अरेस्ट होंगे, तो एक लड़की को वो क्यों ऐसे बोलना पड़ा, क्यों ऐसे स्टेटमेंट देना पड़ा। अब उसको अरेस्ट किया गया है तो इसका पीछे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कितना न्यूट्रल काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
एक सवाल खड़ा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो सेंसिटिव इश्यूज है, उस लड़की ने यह भी कहा था कि और भी लड़कियां हैं लेकिन वो डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की कौन सी डर है, किस तरह की डर की माहौल है कि जिस तरह से दूसरे लड़कियां सामने नहीं आ पा रहे हैं और इस लड़की को आप अरेस्ट कर रहे हो या पूछताछ के लिए लेके जा रहे हो। पूछताछ आप करो लेकिन पूछताछ और अरेस्ट में फर्क है। तो मुझे पता नहीं खाली पूछताछ के लिए उनको लिया गया है या अरेस्ट के लिए लिया गया है, नहीं पता, लेकिन पूछताछ डेफिनेटली करें। लेकिन किसी भी तरह से इस लड़की को हरास ना किया जाए, ये सरकार का जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से एक न्यूट्रल जांच करे, यही हमारी डिमांड है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी इसके बारे में जानकारी आई और ये बड़ा ही विचलित करने वाला जो है ये वाक्या है। सवाल ये है कि क्या ये उनके असहमति की कीमत है? विपक्ष की पार्टियां लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार मुख्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर गई और हम उनमें से कई आरोपों का निष्पादन हुआ, हमारी गुहार को सुना गया, लेकिन जब भी कंप्लेन प्राइम मिनिस्टर अथवा भाजपा अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ था तो उन सभी वाक्यों में बिल्कुल देरी बरती गई। और अगर आपको ध्यान हो, और नहीं तो मैं याद दिला दूं कि अंततः उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कार्रवाई की और कार्रवाई भी क्या दी, उनको क्लीन चिट दिया। बाद में ये सामने आया कि उसमें जो मेंबर हैं अशोक लवासा जी, उनके कुछ डाइसेंट थे, उनकी असहमति थी। सवाल ये होता है कि लोकतंत्र में अधिकारी जो होता है वो जनता का सेवक होता है, उसने संविधान की शपथ ली होती है और उसका हर एक निर्णय जो है वो लोकतंत्र के बेहतरी के लिए होता है। तो क्या ये सरकार कोई संदेश भेजना चाहती है वैसे अधिकारियों को जो निष्पक्षता से अपने काम करें? क्या ये प्रयास है उस अधिकारी को मजबूर करने के लिए कि वो रिजाइन कर दे? ये प्रश्न है जो जनता के मन में हमेशा रहेगा, विपक्ष के मन में हमेशा रहेगा। देखिए, अभी कश्मीर के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अभी यूएनजीए की यूएन जनरल असेंबली अटेंड कर रहे हैं। इस विषय पर वहाँ पर चर्चा होगा, इस विषय पर और दूसरे भी विषय पर, हमारे ट्रेड को लेकर, हमारे दूसरे इश्यूज को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन टिल द टाइम द प्राइम मिनिस्टर इज देयर अटेंडिंग यूएनजीए, I don't think you know we should comment on Kashmir. We should refrain from commenting on it. देखिए, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से, ये हमारी सरकार की शुरू से ही, ये कोई सा भी सरकार हो, कोई से भी पार्टी की सरकार हो, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि कश्मीर का जो भी इश्यूज है तो वो पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इश्यूज है। तो उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोले या दूसरा कोई प्रेसिडेंट क्या बोले, उसमें कुछ वो उनकी बात है। लेकिन हमारे तरफ से भी पहले भी जब ऐसे बात हुआ था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसे बोला था, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारी इंडियन गवर्नमेंट हैज वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट दिस इज अ बायलैटरल इशू एंड नो थर्ड पार्टी मीडिएशन इज गोइंग टू बी, आई मीन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन। अभी तक तो यही स्टैंड है, अभी तक ये स्टैंड है और ये बहुत पुरानी स्टैंड है और सरकार की ये कंटिन्यूइंग स्टैंड है।
सोशल मीडिया का यूसेज के लिए एंड जनरल आई कैन से आई एम नॉट यू नो कमेंटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी जो गाइडलाइंस हैं उसको और भी मजबूत करना ज़रूरी है, और ख़ासकर जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से यू नो जिस तरह से ट्रोलिंग किया जाता है, जिस तरह से एक बहुत ही फॉल्स न्यूज़ फैलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी देखना ज़रूरी है कि वो कोई इस तरह की कानून ना बनाए कि जो लोगों की यू नो द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको किसी तरह से मतलब इफेक्ट ना करे। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हाँ।